सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में उसके पति का देहांत हो गया था। घर में एक छोटा बेटा था। उस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने घर घर जाकर काम किया। काम करते करते बहुत थक जाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं करती थी। हमेशा एक बात याद करके फिर काम में लग जाती थी कि जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा तभी आराम करेगी। देखते देखते समय बीत गया, माँ बूढ़ी हो गई और बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद बेटे की शादी कर दी और एक बच्चा हो गया। अब बूढ़ी माँ बहुत खुश थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया, उसका बेटा लायक हो गया। अब उसका बेटा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन ये क्या, बेटे और बहू के पास माँ से बात करने तक का वक्त नहीं होता था। बस इतना फर्क पड़ा था माँ के जीवन में कि पहले वो बाहर के लोगों के झूठे बर्तन धोती थी, अब अपने बेटे और बहू के। पहले वो बाहर के लोगों के कपड़े धोती थी, अब अपनी बहू और बेटे के। फिर भी खुश थी क्योंकि औलाद तो उसकी थी। सर्दियों का मौसम आ गया था। एक टूटी चारपाई पे घर के बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे कंबल में सिमटकर माँ लेटी थी और सोच रही थी कि आज बेटा आएगा तो उससे कहूंगी तेरी माँ को बहुत ठंड लगती है, एक नया कंबल ला कर दे दे। शाम को बेटा घर आया तो माँ ने बोला, बेटा ठंड बहुत है, मुझे बहुत ठंड लगती है। और बात ठंड की नहीं है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ इसलिए शरीर में जान नहीं है, इस फटे कंबल में ठंड रुकती नहीं है, बेटा कल एक कंबल लाके दे दे। बेटा गुस्से से बोला, इस महीने घर के राशन में और बच्चे के एडमिशन में बहुत खर्चा हो गया है, पोते को स्कूल में एडमिशन कराना है, कुछ पैसे हैं लेकिन उस बच्चे का स्वेटर लाना है, तुम्हारी बहू के लिए एक शॉल लाना है, तुम तो घर में ही रहती हो सहन कर सकती हो, हमें बाहर काम करने के लिए जाना होता है। सिर्फ 2 महीने की सर्दी निकाल लो, अगली सर्दी में देखेंगे। बेटे की बात सुनकर माँ चुपचाप उस कंबल में सिमट कर सो गई। अगली सुबह देखा तो माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। बेटे ने सबको खबर दी कि माँ अब दुनिया में नहीं है। सब रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी इकट्ठे हो गए। बेटे ने माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माँ की बहुत बढ़िया अर्थी सजाई थी, बहुत महंगा शॉल माँ को उड़ाया था। सारी दुनिया अंतिम संस्कार देखकर कह रही थी, हमें भी हर जन्म में भगवान ऐसा ही बेटा मिले। मगर उन लोगों को क्या पता था कि मरने के बाद भी एक माँ ठंड से तड़प रही थी सिर्फ एक कंबल के लिए, सिर्फ एक कंबल के लिए। दोस्तों, अगर आपके माँ बाप आज आपके साथ हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज आप जो भी कुछ हो वो उन्हीं की मेहनत और आशीर्वाद से हो। जीते जी अपने माता पिता की सेवा करना आपका पहला कर्तव्य बनता है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए अपना पूरा जीवन दे दिया है।